सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी मैं देख सकता हूँ, मैं आज दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग टॉप फिल्टर लगा सकते हो अपने एक्वेरियम में, और ढक्कन के ऊपर कैसे लगा सकते हो, क्योंकि हर कोई लगाता है ढक्कन खोल के। सो ढक्कन खोल के अगर लगाओगे तो जो फिशेस है वो जंप करके बाहर भी आ सकते हैं। सो बहुत डेंजरस रहता है, इसलिए ढक्कन के ऊपर आप लोग कैसे लगा सकते हो वो दिखाऊंगा। सो अभी ये मैं गैलेक्सी ट्री लेके आया हूँ, अभी मैं आया हूँ गैलेक्सी स्ट्रीट से। और अगर आपने गैलेक्सी स्ट्रीट का मेरा वीडियो नहीं देखा तो मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ज़रूर से देख लेना। फ़िलहाल आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे आप लोग सेटअप कर सकते हो और एकदम टैंक का जो ढक्कन है उसके ऊपर। सो पहले तो ये मेरा स्पॉन्ज फिल्टर है, इसको अभी बाहर में उठा लेते हैं, ताकि इसको मैं नीचे वाले एक्वेरियम, जो मेरा 2 फुट का एक्वेरियम है, वहाँ पे मैं रख दूँगा। दो मेरे पास स्पॉन्ज फिल्टर है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। सो ये दोनों कोई काम का नहीं है, एकदम ही साफ़ सफाई नहीं होता, स्पॉन्ज फिल्टर एकदम ही बेकार है, कुछ भी साफ सफाई नहीं करता, इसलिए मैं टॉप फिल्टर लाया हूँ। और टॉप फिल्टर से अभी मस्त वाला सफाई होगा। सो अगर आप लोग गैले स्ट्रीट जाना चाहते हो रविवार को, सो गैले से आप लोग याद रखना कि गैले स्ट्रीट सिर्फ रविवार को ही ओपन होता है, बाकी दिन नहीं होता है गैले स्ट्रीट। सो फिलहाल तो अभी ये ऑक्सीजन को साइड में रखते हैं। अभी ढक्कन के ऊपर मैंने सोचा है एक प्लास्टिक के ऊपर एक गर्म रॉड या गर्म रॉड उसका ऊपर होल करके फिर ये जो टॉप फिल्टर है उसको बैठा देंगे। अभी इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या इसके साथ दिया है। सो ये है मेन जो मोटर है, पावर हेड है, और ये जो स्ट्रक्चर है, और ये है जो पावर हेड के मुंह में लगता है वो वाला है, और ये मेन चीज़ है, मेन जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे ही सब कुछ लगेगा वो है। सो अभी बॉक्स को हटाते हैं, फिर आप लोगों को इसका अंदर भी कुछ है वो भी दिखाते हैं। बॉक्स को भी साइड में रखते हैं। सो गाइस, ये है 40 वाट का पावरफुल, एकदम 40 वाट का है, और ये मैंने स्पॉन्ज भी लाया है, ये 70 रुपये मुझे पड़ा है, और ये सिरामिक रिंग और चारकोल भी लाया है मैंने। सो ये सब मिला के मुझे लगभग 1000 1000 का समथिंग पड़ गया है। सो टॉप फिल्टर जो है 555 रुपीज़ है, और 70 रुपये का जो है स्पॉन्ज, और वो वाला 150 रुपये में, वो दोनों। सब मिला के आप लोग कैलकुलेट कर लो। इसके अंदर देख सकते हो एक ये सब है, ये कार्ड है, इसको बीच वाले जगह में लगाएंगे, और ये जो आप लोग ये देख सकते हो इसका ऊपर में लगेंगे ताकि वो जाम ना हो जाए, वो होल है जिससे पानी नीचे गिरेगा। वो अगर जाम हो गया तो वो पानी नहीं गिरेगा, ऊपर फ्लोट होके बाहर निकल जाएगा। ये हो इस होल में रखता है एक छोटा सा पाइप, और उस पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो चुबड़ी दिया है, मतलब वो जो तो क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, वो जो चीज़ दिया है उसको ऊपर रखते हैं। और ये जो नीचे आप लोग देख सकते हो, ये इसके ऊपर स्टैंड है, ये तो सिर्फ दिया है जाकि अगर विदाउट कवर आप लोग लगा सकते हो। मैं तो कवर विद कवर लगाऊंगा, ये भी मैं दूंगा। अभी देख सकते हो मैं अभी यहाँ पे होल करूँगा, मैं जो नाइफ होता है उसको गर्म करके अभी होल करूँगा, और फिर इसके ऊपर में मैं डाल दूँगा, फिर अच्छे से सेट करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग विद कवर विद टॉप फिल्टर लगा सकते हो। सो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मैंने टॉप फिल्टर लगभग सेटअप कर लिया। अभी मैं स्पॉन्ज जो है वो 70 रुपये का जो स्पॉन्ज है वो मैं लाया था, और वो 2 बार चलेगा, एक 2 महीना चल जाएगा ये पूरा जो पैकेट है। एक स्पॉन्ज मैं लगा दे दूँगा, और बाकी एक स्पॉन्ज मैं बाद में लगाने के लिए रख दूँगा। फ़िलहाल तो अभी इसको टॉप फिल्टर का ऊपर में लगाते हैं, इसके ऊपर लगाएंगे ये, और उसके ऊपर देंगे चारकोल और सिरेमिक रिंग है। और देख सकते हो गाइस, मैं अभी पाइप जो है वो लगा रहा हूँ, और सब कुछ सेटअप हो गया है, चारकोल सिरेमिक रिंग सबका सेटअप पूरा फुल हो गया है। अभी मैं इस ढक्कन को कर देता हूँ बंद, और फिर मैं टॉप फिल्टर ऑन करके देखता हूँ कि कैसा कुछ जो है वर्किंग कर रहा है, देना होगा।
सो गाइस आप लोग देख सकते हो टॉप फिल्टर जो है वो चालू हो गया है और अभी मैं फिश लोगों को फीडिंग दे रहा हूँ। सो आप लोग देख सकते हो मेरा एलिगेटर गार और स्टैगर सवेलनोस और रेड टेल कैटफिश। सो ये जो ये एक वेव बन रहा है, ये जो है ना एक फ्लो बन रहा है। सो ये फ्लो मॉन्स्टर फिश के लिए बहुत अच्छा होता है, ये लोग ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा घूमेंगे। सो इसका सेहत जो है इन लोगों का अच्छा रहेगा। और ये एलिगेटर गार तो बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ लेता है, बहुत ज़्यादा। अभी इन लोगों को मैं गैलेक्सी से 200 मछलियाँ लाया था फीडिंग के लिए। सो इन लोगों को अभी मैं खिलाऊंगा। सो देख सकते हो मैं दे दिया हूँ, एक तो एलिगेटर गार ऑलरेडी खा गया है और एक को चेस कर रहा है। देख सकते हो कैसे मस्त तरीके से पकड़ लिया है, एकदम ही पूरा ये कोकोडाइल का जैसा है पूरा फुल, बहुत ही डेंजर तरीके से पकड़ लिया है। और सावेलनस तो एक चुटकी में खा लेता है, एलिगेटर गार थोड़ा टाइम लेता है खाने में, बस ज़्यादा मज़ा आता है देखने को। एलिगेटर गार खाना जब खाता है बहुत ही डेंजर लगता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।